दिस वीडियो वी विल सी किस तरीके से आपके सॉइल में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में रिलेशन निकाला जाता है, दिस इन बिटवीन जिसमें हमें यह मिलेगा कि किस तरीके से ट्रायक्सियल मशीन में आपको स्ट्रेस पाथ इक्वेशन मिलना चाहिए। तो वो हम यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से पूरी पिक्चर क्रिएट होती है सॉइल के अंदर जब सॉइल में शेयरिंग स्टार्ट होता है। अच्छा, मैं अभी फिलहाल में कोई ट्रायक्सियल मशीन के बारे में, ट्रायक्सियल टेस्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, उसके जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। हो सके नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट के कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे ट्रायक्सियल पे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट पे, मींस इन टेस्ट पे हम बात करेंगे किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। अभी मैं उस पर क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, किस तरीके से क्या इक्वेशन ड्राइव होने वाली है जिस पे नंबर ऑफ गेट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उस पे पहले मैं बात करता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक फुटिंग है, एक ग्राउंड सरफेस है जिसके अंदर मैंने फुटिंग इंसर्ट कर रखा है और इस फुटिंग के नीचे एक मैंने सॉइल एलिमेंट लिया है। ये कोई सॉइल एलिमेंट मैंने लिया है जिसका मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस यदि मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि यहाँ पर आपके मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहे होंगे सॉइल एलिमेंट पर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हमने पिछले हमारे वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप क्या देख सकते हैं, क्या मैं इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मोहर सर्कल डिराइव कर सकता हूँ, क्या मोहर सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए हाउ टू ड्रॉ दी मोहर सर्कल। तो क्या करते थे हम, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू लेते थे और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते थे, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू ले लेते थे। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मल स्ट्रेस ये सभी जो मैंने लिए हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था जो मोहर कुलाम्स थ्योरी है वो क्या है, मॉडिफाई हो चुकी है, जिसमें हमें क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है। तो ये सभी वैल्यूज जो है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस लेना होगा। अब बात करते हैं कैसे हम मोहर सर्कल बनाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन का नॉर्मल स्ट्रेस ले लिया। तो सपोज ये आपका कोई एक पॉइंट है ओ, ओरिजिन है, और आपने एक प्लेन लिया है यहाँ पर। सपोज ये आपका जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन इज सपोज ए। तो यहाँ पर मोहर सर्कल के अंदर आपके जो प्लेन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, उसके पॉइंट्स। तो अभी फिलहाल में इसको मैं क्या बता रहा हूँ, एक पॉइंट लिया मैंने जिसका नाम दिया मैंने ए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला देखते हैं, ये वाले प्लेन पे कितने लग रहे हैं, सिग्मा थ्री लग रहे हैं मैंने लिया, जो कि सिग्मा वन बड़ा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर बी, तो यहाँ से ओ ए से लेकर, ओ से लेके ए तक ये हो गया आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ओ से लेके बी तक ये हो गया आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट लेते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं सपोज सी, और ये सेंटर हो जाता है एक्चुअली इस ए बी डिस्टेंस का, और सी पे राउंडर को रखते हुए हम क्या करते हैं, एक मोहर सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। परफेक्ट सर्कल बनाना आप लोग जब भी आप स्टडी करें, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। जैसे ही मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, कोई भी एक प्लेन पकड़ लूँ, यदि ये प्लेन कोई थीटा एंगल पर है तो मोहर सर्कल में ये कितना एंगल बन जाता है, टू थीटा। इस प्लेन पर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इस प्लेन पर मैं दो वैल्यूज हमें निकालना चाहता रहता हूँ, फर्स्ट निकालना चाहता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड में निकालना चाहता हूँ शेयर स्ट्रेस टाउ। तो इस प्लेन पर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो कैसे मैं निकालूंगा, यहाँ पर एक प्लेन बनाऊंगा टू थीटा पर। ठीक है, तो टू थीटा पर हमने क्या किया, एक प्लेन बनाया, और जैसे ही बनाया टू थीटा एक लाइन, ये हमें क्या मिल चुका है, वो प्लेन मिल चुका है। अब इस पर्टिकुलर पर आप देख लीजिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये पॉइंट सपोज आपका P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं, या F दे देते हैं, इस पॉइंट को F कह देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, जो कि इस पर्टिकुलर प्लेन पर मिलने वाले थे हमको। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, एंड ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का
आपके इस वाले पॉइंट एफ तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस इस पर्टिकुलर प्लेन पर। ठीक है, तो ये पूरा जो था, अभी तक मैंने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की कोई बात नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो हम सीखे थे हाउ टू ड्रॉ द मोहर सर्कल, वो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है कि कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अब मैं एंटर करता हूँ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। देखते हैं, यदि जियोटेक की मैं बात करूँ तो मैं वही केस ले रहा हूँ, मेरे पास एक फुटिंग है, फुटिंग के नीचे एक कोई सॉइल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, उसके स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाया, मैंने देखा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहे हैं सिग्मा वन, मैंने देखा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहे हैं सिग्मा थ्री। तो यहाँ पर ये मैं एलिमेंट बना रहा हूँ, ये एलिमेंट है आपका सॉइल का, जिसमें मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन हो चुके हैं और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो चुके हैं, सिग्मा थ्री हो चुके हैं। अच्छा, मैं इनको मेजर और माइनर क्यों कह रहा हूँ, इनको मैं मेजर और माइनर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपके पास बायएक्सियल लोडिंग होती है, बायएक्सियल स्ट्रेस होते हैं, तो बायएक्सियल स्ट्रेस के केस में वही आपके क्या बन जाते हैं, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाते हैं, जब आपके उसमें शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहे हों। तो यहाँ पर भी सॉइल में हम शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहे हैं, जैसे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस ये सब होता था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण वर्टिकल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो चुका है। अभी आपको आगे वो समझ में आएगा जैसे जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ इस लेक्चर को। तो यहाँ पर हमने ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखा, मैंने क्या किया, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, अच्छा इसके लिए मुझे मोहर सर्कल बनाना है, ठीक है मैं मोहर सर्कल बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके पहले क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, स्ट्रेस टाउ लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था मोहर कुलाम्स थ्योरी, क्या होता है मोहर कुलाम्स थ्योरी, मोहर कुलाम्स थ्योरी हमने बताया था, इक्वेशन निकाली थी शेयर स्ट्रेंथ की, और शेयर स्ट्रेंथ की जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो निकली थी टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, और मैंने कुछ इस तरीके से फिगर बनाया था कि ये वैल्यू थी आपकी कोहेजन की सी, और ये जो था आपका एंगल वो था आपका फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये जो लाइन यहां पर बनती है, इस लाइन का नाम होता है फेलियर एनवलप, फेलियर एनवलप। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इस लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं, इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव, ये होता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो चुका है इस फेलियर एनवलप का। ये फेलियर एनवलप क्या बता रहा है, ये फेलियर एनवलप बता रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ये फेलियर एनवलप आपका स्ट्रेंथ बता रहा है। बात यहां तक ठीक है, समझ में आती है। अब ये मेरे पास कोई सॉइल था, अब इस सॉइल के ऊपर इतने स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इस स्ट्रेसेस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मोहर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने बना दिया मोहर सर्कल, ये ओरिजिन था आपका, और यहाँ से यहाँ तक सिग्मा वन हो चुका है आपका ओ ए, जैसे कि मैंने अपने पिछले मोहर सर्कल में अभी बना के बताया है, और ओ यहाँ से यहाँ तक का सपोज ये हो चुका है आपका ओ बी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। आप चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ ए आपका हो गया सिग्मा वन बार, ओ बी आपका हो चुका है सिग्मा बार थ्री, कुछ इस फैशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्ट्रेट के लिए इसका एक सेंटर मिला होगा सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोहर सर्कल बना रहा हूँ, ये मोहर सर्कल बन चुका है, नीचे भी बना होगा लेकिन सिमेट्रिक है, ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, तो मैं सिर्फ हाफ मोहर सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी क्या किया हमने, मोहर सर्कल बना दिया। मोहर सर्कल क्या बताता है, मोहर सर्कल ये बताता है, मतलब मोहर सर्कल शोज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, मोहर सर्कल शोज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और फेलियर एनवलप क्या बताता है, फेलियर एनवलप बताता है स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। आप देखिए स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेस कम है, सॉइल स्टेबल कंडीशन में, सॉइल फेल नहीं हो रही है। और मैं देखता हूं केस, मैंने क्या किया, एक और मोहर सर्कल बनाया, वो मोहर सर्कल मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज बढ़ा दी, सिग्मा वन और सिग्मा थ्री की वैल्यूज बढ़ा दी, ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स बना दिए स्ट्रक्चर में। अब सिग्मा वन बार बढ़ चुका, सिग्मा बार थ्री बढ़ चुका है, उसके लिए मोहर सर्कल बनाता हूं। तो ये हो गया उसके लिए मोहर सर्कल, ए बढ़ चुका है, अब इसका सेंटर यहां कहीं पर आ चुका है, अब बनाओ मोहर सर्कल, ये बन गया मोहर सर्कल। अभी भी देखिए स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेस कम है,
मोर सर्कल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा है, फेलियर एनवेलप स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है, अभी भी सॉइल फेल नहीं हुई है। अब मैंने क्या किया, और स्ट्रेसेस की वैल्यू बढ़ा दी, स्ट्रेसेस की और ज़्यादा वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, और ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई स्ट्रेसेस की। अब बनाओ मोहर सर्कल। अब मोहर सर्कल क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से हमने मोहर सर्कल बनाया, मतलब ये थोड़ा सा सर्कुलर रहेगा। तो मैं देखता हूँ कि इस बार जब मैं स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से मोहर सर्कल मिल रहा है जो आपके फेलियर एनवलप को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब ये आपकी क्या आ चुकी है, क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है, मतलब सॉइल के जो स्ट्रेसेस है वो स्ट्रेंथ के बराबर हो चुके हैं। अभी सॉइल फेल हो चुकी है क्या, अभी फेल नहीं हुई है, ये क्रिटिकल कंडीशन में आ चुकी है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि मैं शेयर स्ट्रेस, ये पॉइंट मेरा हो गया है एफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है वही तो शेयर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फेलियर एनवेलप क्या बताता है, ये बताता है स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है, और मोहर सर्कल क्या बता रहा है, वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा है। दोनों को मैच कर दो, जहां किस पॉइंट पे यदि मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, सॉइल वहां पर फ्लो हो सकती है, मतलब फेल हो सकती है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर फेलियर एनवेलप को टच कर रहा है आपका मोहर सर्कल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड माइनर स्ट्रेसेस, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट एफ पर कितने स्ट्रेसेस लग रहे हैं, क्या मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये हो गया आपका स्ट्रेस टाउ का वैल्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कितना हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू। यही तो आपकी शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल के अंदर, फाइन, क्योंकि यही आपका क्या बताता है, मैक्सिमम स्ट्रेस बता रहा है। अब और बढ़ाओ यदि इसके अंदर स्ट्रेस, तो मोहर सर्कल इस फेलियर एनवेलप को भी क्रॉस करते हुए ड्रॉ किया जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर ये कंक्लूजन देता हूँ कि आपका जो मोहर सर्कल है, यदि वो फेलियर एनवेलप के नीचे ड्रॉ हो रहा है, मतलब आपकी सॉइल जो है वो सेफ है, स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन फेलियर एनवेलप आपका जो मोहर सर्कल है वो फेलियर एनवेलप को टच कर रहा है, मतलब सॉइल क्रिटिकल कंडीशन में आ चुकी है। फेलियर एनवेलप यदि उसको भी क्रॉस कर जाए, आपका जो मोहर सर्कल है वो फेलियर एनवेलप को भी क्रॉस कर जाए, मतलब सॉइल फेल हो चुकी है। तो जो हमारी क्रिटिकल कंडीशन है वही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वहीं पर चांसेस है फेल होने के, तो वही मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर अब वही पूरे पिक्चर मैं अलग से पूरा बनाता हूँ, और हम इसका डेरिवेशन देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक क्रिटिकल कंडीशन लिया मैंने मोहर सर्कल का, किस तरीके से हम पिक्चर क्रिएट करते हैं यहाँ पर वो समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेशन देख रहे हैं हम, ये था आपका फेलियर एनवेलप, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये आपकी किसकी वैल्यू हो चुकी है, कोहेजन सी का वैल्यू हो चुका है। यहां था ये आपका ओरिजिन, और ये आपका मोहर सर्कल। मोहर सर्कल जो है वो फेलियर एनवेलप को यहां कहीं पर टच कर रहा है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं एफ। ये आपका क्या था, फेलियर एनवेलप था। इस फेलियर एनवेलप की जो इक्वेशन है वो क्या होने वाली है, फेलियर एनवेलप की जो इक्वेशन है दैट विल बी टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई होने वाली है, जो कि इफेक्टिव स्ट्रेसेस के लिए होगी। अब यहां से ये था आपका कोई प्लेन ए, ये था आपका कोई प्लेन बी, ठीक है। और एफ पे ये इन दोनों का बीच का मैंने क्या ले लिया है, सेंटर ले लिया है सी। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको मैंने क्या किया, पीछे एक्सटेंड किया। आप देखेंगे ये जो फेलियर एनवेलप है इसको मैं पीछे क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूँ, लीनियरली एक्सटेंड किया। तो अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, ये जो एंगल है ये कितना होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई के बराबर होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस लाइन को जब एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये जो एंगल बनने वाला है, ये एंगल भी कितना ही बनने वाला है, सेम बनने वाला है फाई, ठीक है। तो ये एंगल भी मेरे पास कितना हो गया, फाई हो चुका है। अच्छा ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये पॉइंट का नाम दे दूं यदि मैं कि ये जेड है, तो ओ
ओरिजिन से लेकर जेड तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सी है ये फाई है। आपको इस बार परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, मतलब आपको वैल्यू किसमें मिलेगी, कॉट में। आप लिखिए टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा सी डिवाइड बाय टेन फाई, मतलब आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर, सी कॉट फाई। तो सी कॉट फाई आपको मिल चुका है, ये फाई डैश है हर जगह, यदि कहीं पर मैं सी लिख रहा हूँ या फाई लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स सी डैश एंड फाई डैश है। इफेक्टिव स्ट्रेसेस के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो सी कॉट फाई डैश इसकी वैल्यू हो चुकी है। यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ, यदि आप चाहें तो ओ से ए तक क्या है मेरे पास, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। पहले मैंने ओ से ए तक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लिया, उसके बाद ओ से बी तक क्या लिया मैंने, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लिया सिग्मा बार थ्री। उसके बाद क्या देख सकते हैं ओसी की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पर, यदि मैं ओसी पूछूं आपसे, अच्छा पहले ओसी बताइए, ओसी कितना हो जाएगा, आप ये लीजिए सिग्मा वन, यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा वन है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा थ्री है, तो ओसी क्या हो जाएगा, इनका एवरेज निकल जाएगा सिग्मा वन बार प्लस सिग्मा थ्री बार बाय टू, ये वैल्यू आपका ओसी का आ चुका है। अब इसके अंदर आप ओजेड निकाल सकते हैं क्या, ओजेड सॉरी हाँ ओजेड, ओजेड कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, सी कॉट फाई डैश है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, सी कॉट फाई डैश। क्या मैं सी से जेड तक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, तो सी से जेड तक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ओ सी प्लस ओजेड, तो यहाँ पर ओ सी प्लस ओजेड कितना वैल्यू हो चुका है मेरे पास, सिग्मा वन बार प्लस सिग्मा बार थ्री डिवाइड बाई टू प्लस सी कॉट फाई डैश, ये मेरे पास सी जेड का वैल्यू बन चुका है। और देखते हैं इसके अंदर क्या निकाला जा सकता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं क्या इस मोहर सर्कल की, मैंने क्या किया ये पॉइंट को इससे कनेक्ट किया सी एफ। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बेसिक एक मोहर सर्कल एक फॉर द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस बना के बताया था, तो जब भी कोई पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मोहर सर्कल से कनेक्ट करते हैं तो वो गिवन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है, ट्वाइस का। तो जो ये प्लेन था आपका जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस था, इसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मैंने नेक्स्ट ये वाला मोहर सर्कल यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ये एंगल जो हुआ होगा फेलियर प्लेन का एंगल वो अल्फा हुआ होगा, तो यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है आपका, टू अल्फा का। यहाँ आप देखेंगे स्टेट ऑफ स्ट्रेस में कोई भी एक फेलियर प्लेन है, मैं मान रहा हूँ, मैं मान लिया हूँ कि ये आपका क्या है, फेलियर प्लेन है, कि इस प्लेन पर सॉइल क्या करने वाली है, फेल करने वाली है। देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक फेलियर एनवलप है एक फेलियर प्लेन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फेलियर एनवलप स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है आपके सॉइल में, और जो फेलियर प्लेन है वो अल्फा है, कि इतने एंगल पे यदि मैं बोल रहा हूँ अल्फा 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री पे आपका सॉइल क्या हो रहा है, फेल होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ अल्फा 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री पे सॉइल क्या होने वाला है, फेल होने वाला है, तो वो है अल्फा। तो यहाँ पर उस फेलियर प्लेन पर, इस फेलियर प्लेन अल्फा पर कितने वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस है, कितनी वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ है, दैट आई वांट टू कैलकुलेट। तो मैंने क्या किया, वही यहाँ पर टच कर रहा है आपका पॉइंट फेलियर एनवलप को, मतलब यहीं पर सॉइल इस पर्टिकुलर लोकेशन पर फेल होने वाली है फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये कितना एंगल बना देगा यदि सी से एफ को कनेक्ट करूँ, तो डेफिनेटली टू अल्फा का, क्योंकि मैं मान रहा हूँ अल्फा पे फेल होने वाला है, तो ये मोहर सर्कल में ट्वाइस बन जाता है, तो ये वैल्यू कितना बन चुका है, टू अल्फा का बन चुका है। अब सी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, सी एफ क्या बता रहा है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कितना निकलता है, पहले आप देखिए यदि मैं बात करूँ सी ए का या सी बी का, आपको ओ से लेके ए तक की वैल्यू पता है, ओ से लेके बी तक की वैल्यू पता है, क्या ये निकाल सकते हैं इतनी, ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल कितना हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री हो जाएगा, इसका हाफ कर दो रेडियस मिल गई, मतलब ए सी कितना है वो है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, बी सी कितना है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, रेडियस हो गई। सी एफ भी क्या है, रेडियस ही तो है, तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी आ जाएगी, सी एफ की जो वैल्यू है, सी एफ विल बी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो मुझे जो मेन काम था वो काम था इसका, इसका और ये जो सी एफ है इसका, ये तीन वैल्यूज मुझे चाहिए थी। देखते हैं क्यों चाहिए था,
अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है यहां पर, जेड एफ सी। ये ट्रायंगल मैं पहले यहां पर बता देता हूं, ये ट्रायंगल मैं यहां पर बना रहा हूं। देखिए यहां पर मैं ट्रायंगल बना देता हूं, ये मैंने बनाया ट्रायंगल, ये था आपका सी, ये है आपका जेड, और ये पॉइंट जो था वो एफ। आपको नोटिस करना चाहिए कि आपका जो मोहर सर्कल है इस फेलियर एनवलप को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब ये जो एंगल है ये कितना बनने वाला है, ये 90 डिग्री बनने वाला है, क्योंकि टेंजेंट है फेलियर एनवलप आपके गिवन मोहर सर्कल पर। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो मैं मान रहा हूँ, ये कितना आ गया है मेरे पास, 90 डिग्री आ चुका है। ये एंगल हो गया है 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहां पर ट्रायंगल मुझे दिख रहा है सी एफ सी जेड एफ का, यहां कहीं पर ओ पॉइंट भी होगा। ठीक है, अभी ओरिजिन है जो कि, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप देखेंगे सी पर एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना बन रहा है, 2 अल्फा का, तो यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, फाइ का, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइ का। तो मुझे एक थ्योरम याद आ रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का वो फार एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इसका फार एंगल क्या है इस एक्सटीरियर का, 90 एंड अल्फा, इसके सम के बराबर होगा। तो यहां पर इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल इन द ट्रायंगल सी जेड एफ, इसके अंदर आपको जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मिलने वाला है फाइ है और 90 डिग्री है। तो थ्योरम से मैं ले देता हूँ 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस फाइ, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मुझे मिल जाती है 45 प्लस फाइ बाय 2। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल चुकी है, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन की, अल्फा की, मतलब इतने एंगल पे आपकी सॉइल क्या होने वाली है, शेयर होने वाली है। तो ये मुझे एक चीज़ मिल चुका है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। एंगल ऑफ फेलियर प्लेन आपको पूरी तरीके से मिल चुका है। ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूं कि आपके सॉइल में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइ जो है वो 30 डिग्री है, मतलब फेल कितने पे होने वाला है आपका सॉइल, तो आपका सॉइल जो फेल होने वाला है, यहां पे मैंने 30 रखा, 30 डिवाइड बाय 2 15 हो गया, 15 प्लस 45 कितना हो रहा है, 60 डिग्री, मतलब आपका जो सॉइल है वो 60 डिग्री पे क्या होने वाला है, पूरी तरीके से शेयर होने वाला है सॉइल मास। ठीक है, तो ये वही बताता है अल्फा, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। अभी यहाँ पर ये डेरिवेशन अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसी ट्रायंगल में क्या हम साइन फाइ का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए साइन फाइ क्या निकलता है, साइन फाइ इज इक्वल टू क्या बनती है मेरे पास वैल्यूज, मैं वो समझने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। साइन फाइ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस सी एफ डिवाइड बाय सी जेड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया या हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये बेस था आपका एफ जेड। यहाँ पर सी एफ कितना है मेरे पास, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 है, जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ पर सी एफ निकाल चुका हूँ। उसके बाद सी जेड, ये रहा मेरे पास सी जेड का वैल्यू, सी जेड भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो सी जेड कितना बन रहा है, सी जेड है मेरे पास सी कॉट फाइ डैश प्लस इसी के साथ में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2। ठीक है, अब ये साइन फाइ का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यूज मिलता है मुझे, वैल्यूज मिलना चाहिए। देखिए साइन फाइ का सी कॉट फाइ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस फाइ मिलेगा, तो सी कॉस फाइ, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस डिवाइड बाय साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, सी कॉस फाइ डैश हमें यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद ये फाइ डैश है, उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, प्लस आपको क्या मिल रही है यहाँ पर वैल्यूज, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, इसी के साथ में है हमारे पास साइन फाइ इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। ये इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में हम क्या लिखने वाले हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इस इक्वेशन को मैं कुछ इस फैशन में लिख रहा हूं कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 साइन फाइ प्लस सी कॉस फाइ इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन इज कॉल्ड
स्ट्रेस पाथ इक्वेशन, जिस जो कि ट्रायक्सियल मशीन में आपको मिलेगा। जब मैं ट्रायक्सियल मशीन समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, सिग्मा वन क्या है, आखिर सिग्मा थ्री क्या है, तो सभी आपको समझ में आएगा। हालांकि यहाँ से मुझे फिर भी क्लियर है कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है एक गिवन एलिमेंट के लिए, जिसके लिए मैंने मोहर सर्कल बनाया और ये सभी वैल्यूज़ के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ। सो दिस वी हैव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ। अच्छा, इन सम लिटरेचर व्हाट यू विल फाइंड, इसको उन लोगों पी दिया है, मैं इस फैशन में भी लिख सकता हूँ, पी प्लस सी कॉस फाइ इक्वल टू क्यू। यह भी एक इक्वेशन इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पी प्लस सी कॉस फाइ इक्वल टू क्यू। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वन प्लस साइन फाइ। और क्यू का क्या वैल्यू हो जाएगा? सिग्मा वन बार माइनस सिग्मा बार थ्री बाय टू। तो ये एक स्ट्रेस पाथ का इक्वेशन कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है, वो ठीक है। मैं आगे देखता हूँ, यहाँ पर इसी कैलकुलेशन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए, क्या मैं इसको इस फैशन में लिख सकता हूँ? इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने लिख दिया सिग्मा वन बार प्लस सिग्मा थ्री बार साइन फाइ प्लस टू सी कॉस फाइ इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बार। क्या इस फैशन में लिख सकते हैं? टू से टू कैंसिल हो गया, टू का मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों साइड। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको इधर लाए, इस वाले टर्म को मैं उधर ले गया हूँ, तो मेरे पास वैल्यूज बन रहा है सिग्मा बार थ्री कॉमन लिया वन प्लस साइन फाइ प्लस टू सी कॉस फाइ इक्वल टू, और ये सिग्मा वन साइन फाइ उधर गया तो सिग्मा वन बार कॉमन आ गया, मेरे पास वैल्यू मिली वन माइनस साइन फाइ का। इस इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि सिग्मा वन बार इज इक्वल टू सिग्मा बार थ्री वन प्लस साइन फाइ डिवाइड बाय वन माइनस साइन फाइ प्लस टू सी, और मेरे पास है यहाँ पर कॉस फाइ डिवाइड बाय वन माइनस साइन फाइ। तो मुझे इस फैशन में एक इक्वेशन फ्रेम हुई है, ये इक्वेशन को मैं इस फैशन में लिख सकता हूँ, सिग्मा वन बार इज इक्वल टू सिग्मा बार थ्री वन प्लस साइन फाइ डिवाइड बाय वन माइनस साइन फाइ। इसका वैल्यू क्या होता है टेन के टर्म में? इट इज टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू। वन प्लस साइन फाइ डिवाइड बाय वन माइनस साइन फाइ को हम कोफिशेंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि अभी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सम वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर टू सी कॉस फाइव डिवाइड बाय वन माइनस साइन फाइव, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका टेन फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू। तो यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन मिल चुका है, सिग्मा वन बार इक्वल टू सिग्मा बार थ्री टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू प्लस टू सी टेन फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि ट्रायक्सियल मशीन का अपने आप में क्या है, एक रिजल्ट है। इसका यूज करते हुए आप क्या करेंगे, ट्रायक्सियल मशीन में जब आप टेस्ट करेंगे, ट्रायक्सियल टेस्ट अलग अलग सॉइल सैंपल के लिए, तो आप क्या देखेंगे, एक सैंपल के लिए एक इक्वेशन, दूसरे सैंपल के लिए दूसरी इक्वेशन। आपको सिग्मा वन और सिग्मा थ्री का वैल्यूज पता होगा। क्या देखेंगे, ये ट्रायक्सियल मशीन से मुझे ये रिजल्ट मिला है इक्वेशन का, ठीक है। जब भी मैं ट्रायक्सियल पढ़ाऊंगा आपको, आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मुझे निकालना क्या है, मेरा जो टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विच इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई, ये निकालना होता है। सिग्मा एन बार टेन फाई ये मैं जानता हूँ कैसे निकालना है, मुझे सिर्फ जो निकालना है वो सी और फाई का वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालूँ, तो ट्रायक्सियल मशीन का यूज़ करते हुए निकालूंगा जिसमें मुझे ये इक्वेशन मिल रही है। तो मेरे पास एक सैंपल है सॉइल का, उसके लिए मुझे एक इक्वेशन मिल गया, तो जिसके अंदर मुझे सिग्मा वन की भी वैल्यू पता होगी, सिग्मा बार थ्री की वैल्यूज भी पता होगी। फिर मैंने दूसरी इक्वेशन ली, दूसरे सैंपल लिया सॉइल का, और वापस मुझे क्या मिल गई, एक दूसरी इक्वेशन मिल गई, जिसके अंदर वापस से मुझे सिग्मा वन बार और सिग्मा बार थ्री का वैल्यू पता होगा। मतलब अब मेरे पास दो सैंपल के, मतलब दो इक्वेशन बन चुकी है जिसके अंदर दो अननोन्स है फाइ और सी। दो इक्वेशन, दो अननोन, फाइ एंड सी। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से फाइ और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे आपने सी और फाई का वैल्यू निकाला, इस इक्वेशन में सी और फाई की जगह रख दूंगा और मैं क्या कर दूंगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यहां से कैलकुलेट कर दूंगा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर नंबर ऑफ गेट प्रॉब्लम्स फ्रेम हुए हैं और जहां पर आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दे सकते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दे सकते हैं और आपसे कोहेजन निकालने को कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालने को कह सकते हैं। तो इस पूरे वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि यदि आपके पास मोहर सर्कल है और मोहर सर्कल क्या बताता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा है, और स्टेट ऑफ स्ट्रेस जब बताता है यदि वो फेलियर एनवेलप के नीचे ड्रॉ हो रहा है मोहर सर्कल, तो आपका सॉइल पूरी तरीके से स्टेबल है, सेफ है, क्योंकि सॉइल में कम स्ट्रेसेस आ रहे हैं और सॉइल पूरी तरीके से सेफ है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, शेयर स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे जैसे सॉइल पर स्ट्रेसेस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप सॉइल पर नंबर ऑफ फ्लोर सपोर्ट आपके बिल्डिंग में बढ़ाते चले जा रहे हैं, मोहर सर्कल की रेडियस बढ़ते चले जाएगी, मोहर सर्कल बड़ा होता चला जाएगा और एक ऐसा केस आएगा कि जहां पर मोहर सर्कल आपके फेलियर एनवेलप को क्या कर देगा, टच कर देगा, वो आपकी क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है सॉइल में। इससे ज़्यादा स्ट्रेस आप देंगे, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोर आप प्रिपेयर करते हैं या फिर इससे ज़्यादा लोडिंग देते हैं यदि, तो आपके सॉइल में क्या आने वाले हैं, शेयरिंग आने वाली है, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी है, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ के बराबर आ चुके हैं। और इस पर्टिकुलर केस में जब शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ के बराबर आ जाते हैं, आपका जो सॉइल होगा अल्फा इक्वल टू 45 प्लस 5 बाई 2 पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से शेयर हो जाएगा, दैट आई डू नॉट वांट। तो हमेशा हमें क्या रखता हूँ, शेयर स्ट्रेस कम रखता हूँ, शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा रखता हूँ। तो ये मैं कैसे रखूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा कि मैं जैसे पहले शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालना है, तो यदि मैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालना चाहता हूँ तो मुझे सी और फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। और यही वो इक्वेशन है जहाँ से मैं सी एंड फाई का इक्वेशन क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ सी और फाई का वैल्यू, और वहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। गेट 2015 या 16 में ये जो स्ट्रेस पाथ इक्वेशन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था जिसमें हमें सी और फाई का वैल्यू निकालना था। तो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कुछ इस फैशन में भी लिखा जा सकता है कि हम लिख सकते हैं पी साइन फाई प्लस सी कॉस फाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर P जो है वो है आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 है, और Q जो है वो आपका है सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा बार 3 डिवाइड बाय 2। तो इस इक्वेशन, इस ये इक्वेशन दिया गया था गेट 2015 या 16 में, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन वहाँ से इस फैशन में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये पूरा जो वीडियो था, ये पूरा लेक्चर जो था, ये मोहर सर्कल और उस पर बेस्ड इक्वेशन मेजर प्रिंसिपल एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पर रिलेशन निकालने के लिए हमने निकाला था ये डिस्कशन। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।